सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 1C रेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 7th। गाइस क्वेश्चन नंबर 7th में हमारा 3/4 फ्रॉम 1/3, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम यानी कि ये 1/3 से, ठीक है, फ्रॉम यानी कि से 1/3 से ये सब्ट्रैक्ट 3/4 को करना है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सिंपली आपको करना क्या है, शुरू में इस दोनों का एलसीएम लेना है। इस दोनों का जो एलसीएम हमारा आएगा वो आएगा 12, ठीक है, ये हमारा एलसीएम है। 3 4 12 एंड 4 जो ऊपर से हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस एंड 4 3 12 एंड 3 से मल्टीप्लाई ऊपर तो क्या हो जाएगा 3 3 9, ठीक है, ये हो गया आपका। अब 9 को 4 से सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आ जाएगा, -5/12, ये जो आपका आ गया ये आंसर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है गाइज, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है -5/6 फ्रॉम 1/3, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो क्या करना है, पहले आपको उल्टा लिख लेना है 1/3 एंड -5/6, इसको ब्रैकेट में ले लेना है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, 1/3 एंड -+ 5/6, ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम ले लेना है, जो हमारा एलसीएम आएगा वो 6 हो जाएगा, 3 2 6 एंड 1 2 2 एंड प्लस 6 1 6 एंड 6 5 7 5, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 5 2 7 7/6, ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा -8/9 फ्रॉम -3/5, तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, -8/9 फ्रॉम 3/5, ठीक है, तो इसको उल्टा लिख लेते हैं, -3/5 एंड माइनस ब्रैकेट 8/-8/9, ठीक है, ऐसा लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, -3/5 -+ 8/9, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम लेना है, जो एलसीएम हमारा आएगा वो आएगा 45, ठीक है, एलसीएम जो आ गया हमारा तो 5 9 = 45 एंड 9 3 = 27, तो -27 आ गया एंड प्लस 9 5 = 45 एंड 8 5 = 40, ये आपका हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा 13/45, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर अब फोर्थ हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या हमारा बोल रहा है, -9/7 फ्रॉम -1, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। -1 -9/7, ठीक है, इसको आपको ब्रैकेट में रखना है एंड -1/1 लिख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें एंड प्लस -+9/7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम जो हमारा आएगा 7 आएगा एंड 1 7 = 7 एंड 7 -7 प्लस 7 1 = 7 एंड 9 मल्टीप्लाई ऊपर से होगा, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 2/7 जो होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव -18/11 फ्रॉम 1 -18/11 फ्रॉम 1, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, तो क्या करना है, ये 1 हो जाएगा एंड -18/11, ठीक है, इज इक्वल टू 1/1 प्लस -+ एंड 18/11, ये आपका हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस दोनों का एलसीएम लेना, आपको पता ही है, तो हमारा एलसीएम जो होगा 11 आएगा एंड 1 11 एंड 11, तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा प्लस 11 एंड ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 18, ठीक है, तो अब जब इसको हम ये प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा 29/11 आ गया, ये जो आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो हमारा है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है -13/9 फ्रॉम 0, ठीक है, ये आपका सिक्स नंबर बोल रहा है।
तो इसका जो होगा 0 माइनस 13y 9, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 9 13y 9, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा ये सेम आया, क्योंकि जीरो से आप प्लस करोगे तो उतना ही आएगा एंड मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, ये जो आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है -13/32/13 फ्रॉम 6 -6/5, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। अब वो क्या करना है, ये लिख लेना पहले -6/5 एंड -32/13, ये आपका हो गया ब्रैकेट में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, -6/5 एंड माइनस माइनस प्लस -32/13, ये आपका हो गया। अब इस दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा 65, ठीक है। 5 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे 65 में तो कितना आएगा, तो चलिए इधर मैं करके देख लेता हूँ। 5 65 1 5 1 5 हो जाएगा एंड 5 3 15 यानी कि 13 हो जाएगा, 13, ठीक है। 13 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो जाएगा हमारा 78, ठीक है, -78 एंड प्लस 13 5 65 and 5 2 6 and 5 3 156, ठीक है, ये 5 2 10 होगा, ठीक है, यहाँ पे एंड 16 160 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या करना है, इस दोनों को प्लस करना है, प्लस इससे इसको माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा हमारा 82/65, ये आपका जो हो गया आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 8th, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर है वो है हमारा -7 from -4/7, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, -4/7 and -7/1 लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक छुपा हुआ रहता है, तो क्या हो जाएगा -4/7 and -7/1, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम जो आएगा 7 आएगा, तो 1 -4 -7 and 7 7 = 49, ठीक है। अब 49 से आपको माइनस कर देना है 4, तो कितना आ जाएगा 45/7, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना यार, प्लीज़ सपोर्ट करो, थैंक यू सो मच, प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।